बैरियर फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का मुंबई की आवाज़ में। मुंबई की आवाज़ में आज हम पहुंचे हैं बांद्रा वेस्ट में। बांद्रा वेस्ट में लोगों की क्या कुछ समस्या है ये हम जानेंगे। ख़ासतौर पर आज हम जिस मुद्दे के बारे में बात करेंगे वो है स्काई वॉक, और साथ ही साथ उससे जुड़े मसले के बारे में बात करेंगे। और साथ ही यहीं पर पास में ही बांद्रा का ईस्ट वेस्ट का जोड़ने वाला एक फ्लाईओवर भी है, उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी परेशानियों का जो है माहौल बना हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक एक कर तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, और साथ ही ये जानना चाहेंगे स्काई वॉक जो है वो लोगों की फैसिलिटी के लिए बनाया गया है लेकिन इसको लेकर भी कई सारी परेशानियां हो रही है, उससे जानेंगे। जी, मेरा नाम विलायत अली है, मैं बॉम्बे सबर्बन कलेक्टर का जो है साबिक मुशीर हूँ, और मैं यहाँ पर जो है बहुत ज़माने से जो है सोशल वर्किंग करता चला आया हूँ। इस इलाके में मैंने जो है 3 अंडरग्राउंड पास करवाया था, जिसको जो है साबिक MLA और साबिक मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी ने कैंसिल करवा कर यहाँ पर 3 अंडरग्राउंड बने थे, एक जामा मस्जिद के सामने, एक लक्की होटल के सामने और एक नंदी गली के पास 3 सबवे बने थे। उन 3ों सबवे को बाबा सिद्दीकी ने कैंसिल करवा के, जो कि 14 करोड़ में 3 सबवे पास हुए थे, और ये जो स्काई वॉक बना है 24 करोड़ में बना हुआ है, वो बाबा सिद्दीकी ने उन 3ों जो है सबों को कैंसिल करवा के स्काई वॉक बनाया गया। आज स्काई वॉक को जो है मैं समझता हूँ सिर्फ 10% पब्लिक इस्तेमाल करती है, न सिर्फ 10% पब्लिक जो है इस्तेमाल करती है, बल्कि आज वो है लूट मार और लोअर पॉइंट का जो है अड्डा बन चुका है। वहाँ पर जो है कपल जमा होते हैं, लूट मार होती है, कोई जो है इज्जतदार माँ बहन बेटी बच्चे वहाँ पर गुजर नहीं सकते, वहाँ पर लूट मार होती है, मोबाइल छीन लिया जाता है, पैसे छीन लिए जाते हैं, ज़्यादा कुछ करने के लिए जाओ तो उनको ऊपर से मार के धक्के मार के नीचे गिरा के मार दिया जाता है, और कई ऐसे केस हो चुके हैं जिसकी वजह से वहाँ पर जो है पुलिस का बंदोबस्त होना बहुत ज़रूरी है। और पुलिस का बंदोबस्त होते हुए भी कभी कभी उन लोग जो है पुलिस इस तरफ जाती है तो उन लोग उस तरफ जो है हमला करते हैं लोगों के ऊपर। तो मैं यही चाहता हूँ आपके लेमन न्यूज़ चैनल के ज़रिए से कि इस स्काई वॉक के जो है इस्तेमाल को सही बनाया जाए, या तो इस स्काई वॉक को कैंसिल करके ये किसी और रूट के लिए इस्तेमाल किया जाए। स्काई वॉक की जो बात करें हम, स्काई वॉक जो है वो खासतौर पर इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये लकी होटल से शुरू होता है और यहाँ से स्टेशन के पास जाता है। जो लोग शाम के वक्त, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जैम काफ़ी हो जाता है, लोगों को चलने में दिक्कत होती है, इस वजह से ये स्काई वॉक बनाया गया है ताकि लोग इसका इस्तेमाल करें और स्टेशन पर बड़ी आसानी से पहुँच सके। लेकिन यहाँ पर क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर, कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर इस तरह से मौजूद रहते हैं कि वो लोगों को सिर्फ हरास करने का काम और साथ ही साथ लोगों को परेशान करने का काम, लूटने का काम करते हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। हमारे साथ समाज सेवक लोग मौजूद हैं और साथ ही साथ समाज सेवक इश्तियाक जागीरदार जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे यदि हम बात करें स्काई वॉक की, तो स्काई वॉक इसलिए बनाया गया है ताकि लोगों को फैसिलिटी मिल सके क्योंकि शाम के वक्त यहाँ पर ट्रैफिक जैम काफ़ी हो जाता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर ऐसे है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। देखिए, स्काई वॉक जो बन गया है हम लोग उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन वहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। रात में महिलाएं जा रहे हैं वहाँ पर, वहाँ पे चोरों का ग्रुप है और कुछ इल्लीगल वहाँ पे जुगाड़ का धंधे चलते हैं, पुलिस देखी कर भी अनदेखी कर रही है। तो हमें जितने भी स्काई वॉक मुंबई के अंदर है वहाँ पर पुलिस खड़ा रहना ज़रूरी है 24 घंटे, हर घंटे पे पल पल पे यहाँ लोगों को लूटा जा रहा है, चाकू दिखाकर पैसे लूटा जा रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर इतने प्रॉब्लम्स है बांद्रा वेस्ट बांद्रा पश्चिम के अंदर, इतने प्रॉब्लम्स है, बाइक राइडर्स यूथ नौजवान लड़के माँ बाप उनको नई कार दिलाकर देते हैं, नए मोटरसाइकिल उनको दिलाकर देते हैं, ये बच्चे शर्त लगाते हैं और शर्त लगाकर यहाँ पर बाइक राइडर्स कई पुलिस वालों का एक्सीडेंट कर चुके, कई महिलाओं का एक्सीडेंट कर चुके, खुद भी मर गए। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई सालों के अंदर कम से कम 50 से 60 यहाँ पर मौत हो चुकी है नौजवानों की। मैं उन माँ बाप से कहूँगा आप उनको मोटरसाइकिल दिलाकर देते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल दिलाने के बाद उनको देखा जाए गाड़ी बराबर चलाने आती है कि नहीं आती है। ये नौजवान बच्चे बाइक लेते हैं, इनको पता नहीं बाइक लेने के बाद ये इस तरह से इनको लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, कितना स्पीड की लिमिट रखना चाहिए, कोई लिमिट के पार ये लिमिट को तोड़कर इस तरह से बाइक चला रहे हैं जिसके अंदर वो कई एक्सीडेंट कर रहे हैं। नन्हे बच्चे सड़क पार करते हैं उस मोटरसाइकिल के धक्के से एक्सीडेंट हो रहा है, औरत अगर कोई महिला अगर कोई सड़क पार कर रही है तो वो एक्सीडेंट हो रहा है, कोई सीनियर सिटीजन अगर सड़क पार कर रहा है वो एक्सीडेंट हो रहा है। इसका वाक्य ऊपर
जब चाहे मन चाहे कोई भी सो रहा है, जब चाहे कोई भी जा रहा है उसको लूटने का काम कर रहे हैं। नौजवान युवा पीढ़ी वहाँ पर एक लवर अड्डा बना दिया है, कोई बोलने वाला नहीं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ सरकारी अधिकार, पुलिस वाले, पत्ते खेलने, जुआ खेलने वाले वहाँ बैठे, उन पर कार्रवाई करे, 24 घंटे उन पर नजर रखे। और जो यूथ है, मैं इनसे कहूंगा कि ऊपर वाले ने तुमको इतनी बड़ी मौत, जिंदगी का अमानत दी है, उसको इस तरह से मत गलाओ। किसी की जिंदगी जा रही है, आपकी भी जिंदगी जगी है और साथ में गरीब की भी जिंदगी, उसमें मौत हो रही है, तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। लाइसेंस अधिकारियों से मैं कहूंगा, आप लाइसेंस अगर इश्यू करते हैं तो सबसे पहले उनका एग्जाम लिया जाता है कि इसको कितना स्पीड में गाड़ी चला, कौन सा सिग्नल कैसा होता है, लिमिट क्या होती है, लेफ्ट किस तरह से जाता है, राइट किस तरह से स्टॉप करते हैं। ये कोई ट्रेनिंग बच्चों के पास है ही नहीं, किधर से भी आ रहे हैं, कहीं भी आकर ठोक रहे, रिक्शा भी इस तरह से चला रहे, किसी को भी ठोक रहे, इन पर कार्रवाई हो। सबसे पहले पुलिस इनको बराबर ट्रेनिंग दे। ट्रैफिक पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पैसे लेकर इनको लाइसेंस ना दे, इनको बराबर ट्रेनिंग दे, इनको बताए कानून कायदा क्या होता है, किस तरह से गाड़ी चलाई जाती है, किस तरह से स्पीड होती है, और स्काई वॉक के ऊपर पुलिस खड़ा रखना जरूरी है। बांद्रा पश्चिम में कई चैन चोरिंग, कई चैन स्कैनिंग, कई लूटमार धमकी देकर, चाकू दिखाकर, दिन दहाड़े पे इसी स्काई वॉक के पास पैसा लूटा जा रहा है, पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। और जो मदद मांगते हैं उस मदद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम पुलिस स्टेशन से कहेंगे, पुलिस वालों से कहेंगे, मुंबई के अंदर जितने भी इसका वाक है वहां पर पुलिस को खड़ा करे और उन पर कार्रवाई करे, जो ये गलत काम कर रहे हैं उन चोरों को पकड़े। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, हम पुलिस के खिलाफ आंदोलन करेंगे। पुलिस का काम है रक्षा करना, सहायता देना, जनता मुंबई के अंदर उनको सहायता देना, उनकी मदद करना, आप रक्षक है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, जितने कालाबाजारी के ऊपर आप लोग की जो कालाबाजारी चल रहे हैं उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, और आकर अगर जनता की बात को नहीं सुनेंगे, ये मुंबई कर आपके खिलाफ खड़े रहेंगे। हम यही चाहते हैं क्योंकि हमको कायदे से काम करना है। और ऊपर बीटिंग चलती है, सफेद व्हाइट कलर के नौजवान यूथ कॉलेज के लड़के आते हैं, माँ बाप कुछ खर्चे के लिए पैसा देते हैं, वो पैसा भी जुआ के अंदर बच्चे हार जाते हैं। नशा ड्रग्स लेने वाले यहाँ पर सोए होते, ड्रग्स बेच रहे खुले, अब उन पर कार्रवाई नहीं होती। ये काम पुलिस का है, मुंबई की जनता भी इनको सपोर्ट कर रही है, फिर भी पुलिस आकर देखा अनदेखी कर रही है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप जनता को सुरक्षा दीजिए, आप जनता की सहायता कीजिए, हम आपको सलूट करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया, हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम भी आपके खिलाफ उठकर खड़े रहेंगे। कायदे से बढ़कर कोई नहीं, हम कायदे से आपके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा इश्तियाक जी, जागरूक नागरिक होते हुए यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा माहौल बना हुआ, जिस तरह से आप बता रहे थे कि लूट मार का काम यहाँ पर होता है, और साथ ही साथ कई सारे मामले यहाँ पर हो चुके हैं, जुए का अड्डा एक तरीके से बना दिया गया है, इसके खिलाफ पुलिस प्रशासन में आप लोग जब शिकायत लेकर गए थे तो वहाँ किस तरह का बर्ताव था? यहाँ के सीनियर लीडर और सोशल सामाजिक सेवा लियाकत भाई, इनको कौन नहीं जानता बांद्रा के अंदर, ये हर समय यहाँ पर आवाज़ उठाते रहते। उन्होंने आश्वासन दिया हम कार्रवाई करेंगे, एक दिन कार्रवाई होती है, दूसरी बार वो कार्रवाई बंद हो जाती है। हम चाहते हैं कंटिन्यू हर इसका वाक पे पुलिस को बिठाया जाए, ड्यूटी दिया जाए, क्योंकि हजारों सीनियर सिटीजन महिलाएं सोना पहनकर, गोल्ड पहनकर यहाँ से जाती है, यूथ 4 पैसे घर में मिलते। यहाँ पर देखो जुआर का अड्डा चालू है, नशा करने वाले खुलेआम नशा बेच रहे हैं, ऊपर पूरा कब्जा उनका है, तो आम नागरिक बोलने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए डरता है। ये काम पुलिस का होता है, लेकिन आम नागरिक फिर भी आवाज़ उठा रही है। एक दिन के लिए कार्रवाई होती है, दूसरे दिन फिर वही कारोबार चालू है। हम रिक्वेस्ट करते हैं मुंबई कर के तरफ से कि आप ये काम करें, क्योंकि हम लोग कहाँ तक कर सकते हैं, कायदा कानून पुलिस के हाथ में है। मुंबई कर को हम अवेयरनेस कर सकते हैं, मुंबई कर हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन काम तो पुलिस का ही होता है। जब तक पुलिस नहीं आएगी वो डर उनका नहीं मिटेगा। आम नागरिक को कोई डर नहीं है, वहाँ पर वो गुंडे चार होकर आम नागरिक को डराने का काम करते हैं, फिर भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, जहाँ तक हम कोशिश है हम लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। लेकिन हम पुलिस को रिक्वेस्ट करेंगे कि स्काई वॉक पे जितना भी हो सके जो स्पीड बाइकर्स चला रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, किसी का भी बच्चा हो, अगर वो कोई मिनिस्टर का भी बच्चा बाइक राइडर्स अगर गलत चला रहा है उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर हम उन पर कार्रवाई नहीं करते तो एक आम नागरिक का भी डर मर जाता है। हम चाहते हैं कानून का डर उनके दिल में हो, कानून का सम्मान करें, और कानून का सम्मान करते हुए कायदे पे वो चले, कानून से चले, हम उनका पूरा सम्मान करेंगे। और उनको आपसे भी एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार बांद्रा वेस्ट में रहते हैं और कई सालों से आपने समाज सेवा जो है वो की हुई है, ज़्यादातर जब भी इस तरह के जो मामले होते हैं, चैन स्नेचिंग के जो मामले होते हैं, जब महिलाएं पुलिस स्टेशन में जाती है तो बजाय कार्रवाई करने के पुलिस ये कहती है उनको कि आपको सोना पहनकर नहीं जाना चाहिए था, इसको लेकर भी कई सारी महिलाएं जो है वो डिसअपॉइंट हुई है, शिकायत करना बंद कर दिया है लोगों ने, ये कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी आपको लगता है कि ये हो सकती है? नहीं, बिल्कुल इसके अंदर पुलिस की 100% नाकामी है। उसकी वजह ये है कि मैंने इसे पहले जो है बांद्रा रिक्लेमेशन का मैटर जो है
पब्लिक पुलिस कमेटी की मीटिंग के अंदर मैंने गांधी सेवा मंदिर हॉल जो एसवी रोड पर है वहाँ पर मैंने उठाया था। मैंने उनसे ये कहा था कि बैंडा रिक्लेमेशन के अलावा स्टेशन रोड यहाँ वहाँ जो है चैन स्नेचिंग इतनी होती है कि उसका कोई दिन दहाड़े शाम के 5 बजे भी कोई माँ बहनें निकल नहीं सकती है और बाइकर आते हैं आके चैन छीन के निकल जाते हैं। पुलिस कहती है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुलिस के कार्रवाई करे करे जब तक तो जो है और कई चैन स्नेचिंग हो जाती है, तो उसके लिए कोई स्पेशल तरीका ये अपनाना चाहिए कि पुलिस जो बीट की चौकी में जो बैठती है, बीट की चौकी में न बैठते हुए पैदल गश्ती दस्ता जो कि अब्दुलरहमान अंतोले के ज़माने में पैदल गश्ती दस्ता जो है चलता था, जिसकी वजह से क्राइम होते नहीं थे, अगरचे वही तरीका जो है चैन स्नैचिंग वालों के लिए अपनाया जाता है तो इसके ऊपर रोक लग सकती है, वरना कोई तरीका नहीं है। क्योंकि पुलिस कर करके कितना करेगी, पुलिस भी परेशान हो जाती है, पुलिस करना चाहती है कि भाई चैन स्नैचिंग रुके, लेकिन होता नहीं है। मगर होता यह है कि पुलिस जाके बीच में बीट के अंदर ऑफिस में बैठ जाती है तो ये चैन स्नैचर जो होते हैं अपना काम करके निकल जाते हैं। लिहाजा मैं पुलिस कमिश्नर साहब जो है आए हुए नए और यहाँ के लोकल जो अफसरान हैं उनसे मैं यही अपील करूँगा कि जो है वैनों के अंदर पुलिस ना भिड़े और बीट चौकी के अंदर ना बैठते हुए पैदल गश्ती दस्ता अगर चल लगाते हैं जैसा कि अब्दुलरहमान अंतोले के ज़माने में था, तो हम चैन स्नैचिंग और दूसरे क्राइमों के ऊपर कंट्रोल ला सकते हैं। ये एक ही तरीका है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं स्काई वॉक की और साथ ही साथ यहाँ पर मौजूद रिक्लेमेशन के पास ईस्ट वेस्ट के लिए जुड़ता हुआ जो ब्रिज है जिस पर लगातार आए दिन रेसिंग की जाती है यूथ की ओर से और उसमें एक्सीडेंट्स के कई सारे मामले आते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ के रहवासी हैं, काफ़ी सालों से आप यहाँ रह रहे हैं, चैन स्नैचिंग की जो बात होती है इसके अलावा रात के समय यदि कोई कम्यूटर है वो ट्रेन से अगर वो रात में आता है 12-1 बजे के आसपास में तो उसको काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि रात के समय बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है और इसका फ़ायदा जो है वो यहाँ के बैठे हुए जो लुटेरे हैं वो करते हैं। सर ऐसा है ना, पहली बात तो ये कि जब से ये स्काई वॉक बना है, पहले हमारे यहाँ पर क्राइम रेट 0 था, लेकिन जब से ये स्काई वॉक बना है क्राइम रेट बढ़ के 80% हो गया है। मैं यहाँ के सीनियर साहब रामचंद्र धवले साहब को भी 6 महीना पहले बताया था कि सर यहाँ पर लूटमार हो रही है। रामचंद्र धवले साहब ने बोला था कि ठीक है मैं गश्ती पुलिस वालों को भेजूंगा जो यहाँ का दौरा करते रहेंगे, लेकिन 6 महीना होने के बाद भी आज तक कोई दौरा हुआ नहीं है। मेरी कंप्लेंट पे कंप्लेंट जा रही है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। पहले हम लोग घर के दरवाजे फजर तक खुले रहते थे, लेकिन अभी ऐसा हाल हो गया कि हमारे एरिए में चोरी की वारदातें बढ़ चुकी है। ये कई बार मैं कंप्लेंट कर चुका है अपने बैंड्रा चौकी में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस ठीक है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। दिन दिवाले 2-3 बजे लोगों को लूट दिया जा रहा है, ब्लेडें नशाखोर बढ़ गए वहाँ। हम जब कंप्लेंट करते हैं तो जो पेडलर है ड्रग्स पेडलर उनको बता जाता है कि ये सो एंड सो आपकी कंप्लेंट कर रहा है, वो आकर हमको धमकी देते, तो हमको थोड़ा सपोर्ट है लेकिन मारा मारी और उन लोग डरते तो लोग डर, पुलिस वालों को बताने भी हमको डर लगता है कि कहीं हमारा नाम, तो ये वजह से हमको पीछे हटना पड़ता है। ये सबसे क्राइम का गढ़ तक ये कुछ हल नहीं निकलेगा या बैंड्रा उधार होने वाला नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि प्रशासन नींद से जागे और जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई और हमको इस मसले से छुटकारा दिलाए। जी, तो जल्द से जल्द कार्रवाई कर लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं स्काई वॉक, क्योंकि लोग का इस्तेमाल होना चाहिए लेकिन उसका दुरुपयोग कहीं नहीं किया जा रहा है, जिससे बैंड्रा वेस्ट के लोग जो है वो परेशान है। इसके अलावा यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए बाहर आएंगे रिक्लेमेशन के पास बने हुए उस ब्रिज की जहाँ से लगातार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।